Welcome and good morning. So this is the second day. अभी मैं उठ के नहा धो के फ्रेश हो के ड्रेस पहन के बैठ गई हूँ. ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है. अभी टाइम तो हो रहा है आई थिंक इट्स आई कैन सी द टाइम ऑल्सो वट एवर एक बज गया है दोपहर को एंड आई वॉज लेट टुडे उठने में थोड़ा. फिर ब्रेकफास्ट किया नहा वहा लिया सो सब कुछ करने में बहुत लेट हो गया है. मेरा बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है सो इसलिए पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा मंडी दिख रहा है. वट एवर. सो गाइस सो जो मेन थिंग है वो है कि मैं अभी जा रही हूँ घूमने. आस पास ही जाऊँगी. बहुत दूर तक मैं नहीं जा पाऊँगी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी निकल रहा है और यहाँ के लोग मीन्स जो यहाँ पे कंटिन्यूसली रह रहे हैं उनको आई मीन पता है कि आज जब हाथी आता है उनका किस टाइम क्या रहता है कब कब किस टाइम वो निकल सकता है कब उसका आई मीन क्या रिएक्शन होगा कैसे हम दौड़ सकते हैं सब कुछ इनको पता है लाइक जो यहाँ पे रहते हैं. सो हमको उतना तो अच्छे से नहीं पता. हाँ ये ठीक बात है कि वी आर कमिंग व्हेन आफ्टर बर्थ की फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ ओनली आई एम कमिंग है. सो आई एम थिंकिंग कि मैं मेरी दीदी और जीजू के साथ थोड़ा ऐसे ही अराउंड थोड़ा घूम के आऊँगी. ज़्यादा दूर दूर तो नहीं जा पाऊँगी. सो अगर मेरा हेयर का कंडीशन बहुत ख़राब है जब भी देखती हूँ बहुत ही ज़्यादा यू नो ख़राब लगता है. सो द थिंग इज़ कि मैं थोड़ा यही नॉर्मली आस पास जाके घूम लूँगी. फिर अगर बाई चांस मैं आज यहाँ पर रुक गई या और नहीं रुक पाऊँगी द थिंग इज़ कि कल वोट है. इलेक्शन है हमारे यहाँ पे तो कल मुझे जाना है वोट देने. दिस इज़ माई फर्स्ट वोट. नो लास्ट टाइम मैंने दिया था वो था पंचायत का वोट क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो पंचायत एरिया है. सो इसलिए और इस टाइम मैं दूंगी वोट फिर से कल. सो मैं वोट देने जाऊँगी. मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ वोट देने जाने में पता नहीं क्यों. तो मैं वोट दूंगी इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा. बट आई एम थिंकिंग कि मैं मेरे अंकल लोग आना चाहते हैं यहाँ पे तो अगर वो लोग आए तो आई मे कम. ओके सो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर लूँगी. अगर मैं आई तो अगर नहीं आई तो मुझे आज ही खत्म करना पड़ेगा ब्लॉग. सो इस ब्लॉग में ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ होगा भी नहीं तो यही एक प्रॉब्लम हो गया पता नहीं. मैं देखती हूँ क्या होता है कहाँ कहाँ जाती हूँ क्या मिलता है. फिर बाई चांस मैं अगर आ गई कल को कल नहीं परसों या फिर डे आफ्टर टुमारो देन आई विल विजिट सम मोर प्लेस ओवर हियर. यहाँ पे देखने लायक तो बहुत कुछ है बट होता क्या है मेरे मामा भी यहाँ पे फॉरेस्ट गाइड है. जब वो रहते हैं तब हम यहाँ वहाँ घूम सकते हैं बट विदाउट फॉरेस्ट गाइड और विदाउट परमिशन हम सब जगह तो जा नहीं सकते. इसलिए आई कैन शो यू ईच एंड एवरी थिंग बट इफ यू सी ईच एंड एवरी थिंग ओवर हेयर यू विल लव द प्लेस. कम खर्च में पूरा पैसा वसूल वाला घूमना हो जाता है. सो यस जो भी हो स्टे ट्यून्ड. चले चलते हैं घूमने और देखते हैं कुछ देखने को मिलता है कि नहीं. एक्सेप्ट मंकी एक्सेप्ट गोट मैंने कुछ देखा भी नहीं यहाँ पे. गोट तो हमारे घर के सामने भी रहता है जो भी हो. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो. दीदी जीजू को सब जगह दिखा रहा है पीछे कौन किसका घर है कहाँ से क्या जाता है ये सब दिखा रहा था और मैं चुपके से उन लोगों का वीडियो कर रही थी. So we are walking. So ये सब घर है. घर लाइक ऐसे ही है. ये सब विलेज तो ऐसे रहते हैं. दिस इज द न्यूली वेडेड कपल केम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये लोग भी जा रहे हैं बहुत सुंदर बन के. वहाँ से जाता है PWD बंगलो और हम लोग लेफ्ट साइड से जाएंगे जो कि है रिवर साइड. ना अभी आप देखने वाले हो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस. And here you go. Tanjana. कल जो रात को आई थी तब कुछ नहीं दिख पा रहा था. अब यू कैन सी एवरीथिंग. हाय योगी. देखो. अच्छा.
This is the specialty of mine. That helps. You can come here, you can stay here, you can roam here. बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा जगहें हैं, places हैं to roam around. So ये मंदिर है, यहाँ से हम महाकाल जाते हैं. बहुत चाहे अभी जो रास्ता बंद है, बहुत टाइम होता है जब यू कैन गो टू महाकाल, यू नो. एक छोटा महाकाल है, एक बड़ा महाकाल है. सो यस, आई एम शोइंग यू अच्छे तरह से वो भूटिया बस्ती क्या है. वहाँ पे भी एक बस्ती है जहाँ पे लाइक 10 to 15 फैमिली लिव्स. यस, तो एक्चुअली अगर हम लोग कल आते शाम को, सो उस टाइम बहुत ही अच्छे तरह से आप देख सकते हैं. बट अभी क्या हो रहा है, लाइक बहुत सन है और आज पानी भी नहीं है. कल बारिश तो हुआ था बट उतना ज़्यादा पानी नहीं है. अगर पानी रहता तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हवा हो रहा है. तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ हम लोगों का फोटो सेशन, वीडियो सेशन. उन लोगों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना लिया और उसके बाद उन लोगों का ये वीडियो भी हुआ, स्लोमो किया और फिर आ गए वापस. आई फाइंड दैट इज सो ब्यूटिफुल. जो भी हो मोबाइल पे देखना और अपनी आँखों से देखना और मोबाइल पे ना वीडियो पे देखना बहुत डिफरेंस है. इसलिए विल नॉट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इफ़ यू डोंट विजिट दिस प्लेस. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू कम एंड विजिट वंस. This is maybe not a hi-fi place, but a place with true natural beauty. Yes. चलो अभी उस साइड से जाते हैं महाकाल. पहले छोटा महाकाल आता है जहाँ पे माघी पूर्णिमा के टाइम पूजा होता है, और महाकाल में शिवरात्रि के टाइम पे बड़ा महाकाल जाते हैं. बस इस टाइम कोरोना की वजह से ऊपर उठने की परमिशन नहीं था, बट लोग बहुत दूर दूर से आते थे और हाफ हाफ ही चलते थे. यस, देखो मेरा और एक साथी भी है. ही इज गोइंग विद अस फ्रॉम लॉन्ग, नो वॉकिंग एंड वॉकिंग.
बच्चा कुछ खाना भी नहीं है कि खिलाओ उसको। कितना दूर हट चलते चलते हम आ गए। सो गाइस, यस व्हाट, गाड़ी तो घर पे ही था, ड्राइवर नहीं था, बट ड्राइवर अभी मिल चुका है, आ गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, एंड दिस विल बी फन। ओके, मेरा क्या बोलते हैं, मासी के जो हस्बैंड होते हैं उनको हम मेसो बोलते हैं, वो लोग जा रहे हैं, अंकल जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, लुक द प्लेस गाइज, दिस इज सो डैम ब्यूटिफुल। इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू दिस प्लेस यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल सेंड यू ऑल द लिंक्स एंड ऑल। एंड दिस इज द प्लेस आई लव, आई एम वेरी प्राउड कि मेरा मामा के घर यहाँ पे है, इतना ब्यूटिफुल जगह पे। सो प्लीज़ गाइज डू कम एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नाउ गाइज दिस कम्स द वर्स्ट पार्ट, आई वॉज लाइक इतना हिल रही थी मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। थैंक गॉड कि मैं गिर नहीं गई, और फिर भी मैं खड़ी रही क्योंकि मुझे ऐसे खड़े हो के ऐसे इस गाड़ी पे चलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं बहुत ही टफ हो रहा था मेरे लिए, बट मैंने फिर भी एट एनी हाउ कर लिया।
गाइस दिस इज कॉल्ड जोड़ा पहाड़। टू माउंटेन्स आर यहाँ पे आके जुड़ गया है, इसलिए इसको कहते हैं लाइक जोड़ा पहाड़। एंड यहाँ से छोटा महाकाल है और ऊपर बड़ा महाकाल है। आई डोंट नो यू कैन सी दैट फ्लैग और नॉट, बट ऊपर है बड़ा महाकाल और ये छोटा महाकाल। पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ से छोटा महाकाल फिर बड़ा महाकाल जाए। कैन सी दिस व्यू गाइस। एंड ये पानी है, मैं अपना जूता खोल देती हूँ। ठंडा ठंडा पानी। जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे नहाती, यहाँ पे इतना दूर नहीं आती थी, बट वहाँ पे तो रिवर पे नहाती थी। ये रहा मेरा भाई। बट बहुत विंडी है, बहुत ही ज़्यादा पानी है, पानी बहुत ठंडा है। एंड आई एम हैविंग फन, माई ब्रदर इज हैविंग फन। एंड ऊपर नहीं चल सकती हूँ क्योंकि पापा को शुगर है, काका मेरे अंकल को भी शुगर है, तो हाई शुगर की वजह से वो लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए मैं हम यहाँ तक बट यहाँ तक आए हैं, वही बहुत बड़ी बात है ना। द प्लेस इज़ सो गुड। ये तो मेरा बहुत टाइम है, मैंने ऊपर वाला जो बड़ा महाकाल है वहाँ पर मैं 3 times जा चुकी हूँ, तो और मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ अभी। अभी भगवान चाहे तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा केदारनाथ है, पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, बट या। एंड बहुत रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत शांति फील कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उसके बाद हम लोग अभी कोई और एक जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम है भूटिया बस्ती। ओके, तो ये भी एक छोटा सा बस्ती है। पहले तो यहाँ पे बहुत कुछ हुआ करता था, फॉरेस्ट क्वार्टर भी, बट फ्लड के बाद वो सब कुछ नहीं रहा है। तो अभी मे बी 8-9 फैमिलीज़ और मे बी, मुझे इतना एक्यूरेट नहीं पता है, वो लोग रहते हैं इस जगह भी। ऐसे नदी जो मैंने दिखाया था पहले, उसके बाद में मैंने पहले भी बोला है
इस जगह के बारे में। तभी हम लोग वहाँ थोड़ा ऐसे ड्राइव पे ही जा रहे हैं, वैसे कुछ अभी तो इतना धूप था, मन भी नहीं था, बट फिर भी ऐसे घूम रहे थे। तो यहाँ तो देख रही है ওরা কি থোড়ি এখন দৌড়া দৌড়া আসবে गाइस। एट लास्ट मैं घर आ चुकी हूँ और लास्ट हमने फिलहाल देख ही लिया एलिफेंट्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे ही फ्रेश हो गई हूँ, बट मेरा तबीयत पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, शायद इतना धूप में घूमी हूँ ना इसलिए। जो भी हो, एट लास्ट हमने देखा है एलिफेंट। आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप, क्योंकि मेरा ये इतना जूम नहीं हो पा रहा था मेरा फ़ोन कि जो मैं दिखाऊँ, यू नो ना आईफोन का जूम इतना अच्छा तो है नहीं, अच्छा है बट उतना भी जूम नहीं करते हैं। जो व्यू तो मैंने दिखाया, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है, आई कैन एश्योर यू दिस प्लेस इज़ द बेस्ट। सो अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है और कोई भी डिटेल्स जानना है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल सेंड यू एवरी इन्फॉर्मेशन आफ्टर दिस लॉकडाउन, आफ्टर दिस करोना, अगर सब कुछ ठीक हो जाए, फॉर गॉड जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और उसके बाद यू कैन कम टू दिस प्लेस, विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस, अ स्मॉल प्लेस बट अ वंडरफुल प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड to get more of my videos don't forget to press the bell icon, ding ding, bye bye, take care and be safe।